हाय दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान के बीच कल सुपर फोर में फिर और एक बार मुलाकात होगी दोनों टीमों के अंदर। जो कोलंबो का वेदर है वो तो बहुत ही अच्छा है। एक रिपोर्ट आया है जो वेदर है वो कल क्लीन रहने वाला है। बीच बीच में थोड़ा बारिश का संभावना है, बट बारिश ना होने का चांस भी ज़्यादा ही है। अगर बारिश नहीं होता है तो इंडिया और पाकिस्तान का मैच हम लोगों को देखने को पूरा मिलेगा और बहुत रोमांच भी आएगा इस मैच को देखने में, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का बीच जो मैच है वो हमेशा रोमांचकर ही होता है। तो आइए बात करते हैं जो कोलंबो में जो पिच रिपोर्ट कैसी होता है, यहाँ पे रन कितना होगा तो एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। जो कोलंबो का पिच है इसमें जो एवरेज स्कोर है 250-260 एक एवरेज स्कोर माना जाता है। अगर 270-280 हो जाता है तो बहुत ही अच्छा एक स्कोर इस पिच पे हो सकता है। और ये जो पिच है इस पिच में हमेशा जो स्पिनर है स्पिनर को बहुत अच्छा मदद मिलता है। तो अगर इंडिया पहले बैटिंग करता है तो मिनिमम 260-270 कर देगा तो बहुत ही एक अच्छा रिजल्ट आ सकता है इंडिया के फेवर में। तो अगर पाकिस्तान की बात किया जाए और इंडिया की टीम 11 की बात किया जाए तो जो इंडिया है इंडिया के जो ओनली केएल राहुल को इन हो सकता है प्लेइंग 11 में। और जो पाकिस्तान का टीम है पाकिस्तान का टीम में भी कुछ बदलाव हो सकता है। पाकिस्तान टीम में एक स्पिनर एक्स्ट्रा खेल सकता है। अगर कोलंबो का स्टेडियम है तो स्पिनर को मदद मिलेगा। इसको देखते हुए पाकिस्तान भी एक स्पिनर ज़्यादा खिला सकता है। अगर वेदर रिपोर्ट स्पिच रिपोर्ट अगर इंडिया का साथ देता है तो इंडिया डेफिनेटली इस मैच में विन हो गए होगा। और 2 सितंबर को हम लोग मैच तो देख नहीं पाया बारिश की वजह से। तो मैं तो रेडी हूँ कल के लिए। तो आप लोग क्या रेडी है कल के लिए पाकिस्तान वालों को हराने के लिए? पाकिस्तान वालों को कल हम लोग धोल चटा देंगे और इंडिया वालों को हम लोग कल जिता के लेके आएंगे। हम लोगों का साथ मिलेगा तो इंडिया डेफिनेटली कल विन हो गया ही होगा। तो आप लोगों को क्या लगता है, जो इंडिया है इंडिया में प्लेइंग 11 में केएल राहुल का आना चाहिए या फिर सेम टीम खेलना चाहिए? आप लोग अपना कॉमेंट भी दीजिएगा। और जो पाकिस्तान है उसको हराने में सबसे अच्छा रोल किसका हो सकता है इसका जवाब भी दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में पाकिस्तान और इंडिया का बीच मैच होने के बाद।